हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और दो वीडियो आज की डेट में ऑलरेडी आ चुकी है दोनों क्यू टू सी के रिजल्ट एज वेल एज बात करें यहां पर आदित्य बिरला की तो 137 परसेंट की रिटर्न साफ नज़र आते हैं मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं तो आपको यहाँ पर लिए यहाँ पर वीडियो बनाई है देख लीजिएगा जाके और इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे कि डिस्क्रिप्शन थमनेल में आपने देख लिया है चार स्टॉक से रिलेटेड बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े जाने उन स्टॉक से रिलेटेड और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल जो कि आपका खुद का चैनल है इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियोज आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी आपको बताया जाए आपको बताया जाए कि आपको स्टॉक कब खरीदना है कब बेचने हैं और यहाँ पर uh, ट्रैप होने से आपको बचाया जाए बट बिफोर दैट और भी चीज़ें से रिलेटेड बातें करें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाइक सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है आपको यहाँ पर सीखना है सीखने के लिए वीडियोज़ है प्ले है गो थ्रू करिए कि करके आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी बाकी अगर आपको हमारी पर्सनल सर्विसेज से रिलेटेड कोई चाहिए तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो यहाँ पर हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आपको जवाब दे दिया जाएगा बहुत नॉमिनल चार्जेस पे कम चार्जेस पे आपको अच्छी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी तो आइए वीडियो की तरफ तो जैसे कि में आपने देख लिया है कि चार स्टॉक्स कौन से है तो सबसे पहले बात करेंगे टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स की बात करते हैं देखिए ईवी का बहुत बड़ा प्ले है इसमें ओके okay, तो इस वजह से ये स्टॉक्स यहाँ पर बहुत अगर हम देखें तो भागे जा रहा है भागे जा रहा है और अच्छा खासा यहाँ पर आज के दिन में लगभग 20 परसेंट इससे पहले भी देखिए क्या ये जो यहाँ पर ये शेयर भागा था दो सौ रुपए से 506 तो लगभग लगभग यहाँ पर भी सत्तर अस्सी परसेंट के रिटर्न यहाँ पर आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या हमें इस लेवल पे खरीदना चाहिए इस स्टॉक को आप ये खुद खुद से एक बार सवाल कीजिए देखिए आपको खरीदना था तो यहाँ पर खरीदना था जो हमारी स्टडी बता रही थी हमारी स्टडी क्या बता रही थी कि टू हंड्रेड के आसपास शेयर था तब हमारी स्टडी तब हम यहाँ पर एक बार बैठ ले सकते थे और और जो ये इतना भागा है ना, ये भागा है। तो ऐसे लेवल पर करना को कि किसी भी स्टॉक्स खरीदने के लिए ना एक लेवल पे होना बहुत जरूरी है अगर आप यहाँ पर किसी ने अगर सोचिए यहाँ पर ले रख ये शेयर को यहाँ पर खरीदा होगा ये सोच के कि ये छियासठ रुपए का स्टॉक हजार रुपए पे जाएगा बट उसे ये नहीं पता था कि ये एक डेढ़ साल तक

कोई भी अगर बाइंग करना है ना तो इस चीज को याद रखिएगा कि जिस तरीके से ऑपरेटर इसे ऊपर ले जाते हैं क्योंकि देखिए आप और मैं दस शेयर पचास शेयर सौ से शेयर खरीद सकते हैं दो सौ खरीद सकते हैं हजार खरीद सकते हैं बट ऑपरेटर उससे ये शेयर मूव नहीं होने वाले ओके लैक्स ऑफ रुपीज की इनकी मार्केट कैप है इसे मूव करने के लिए आपको अच्छे शेयर खरीदने होंगे और अच्छे शेयर के लिए अच्छा पैसा होना जरूरी है और अच्छे पैसे किन के पास होते हैं ऑपरेटर के पास इसलिए वो ही पर अगर बात करें प्रोमोटर से ज्यादा होने मायने रखते हैं और वही शेयर को भगाते हैं तो वो नहीं

तो थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ के इन, इन्वेस्ट करिए हमेशा याद रखिएगा इस चीज को इसके अलावा एक और इसी सेक्टर की अगर हम बात करें टाटा पावर यहाँ पर एक और यहाँ पर शेयर है ये भी क्यों भाग रहा है ये भी इसलिए भाग रहा है क्योंकि एक तो पावर पावर से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं आ, तो तो इसलिए ये 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 भी शेयर शेयर भाग रहा है और यहां पर ऑल ऑल टाइम टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है तो इसे इसने यहाँ पर जो इसका लेवल था वन आ, इसका जो ऑल टाइम हाई था आ, पहले उसे निकाला उसे निकालने के बाद शेयर यहाँ पर लगातार यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है अच्छी बात है बट यहाँ पर क्या आपको खरीदना चाहिए जो इन्वेस्टेड है वो यहाँ पर इन्वेस्ट रह सकती है जब यहाँ पर कैंडल रिवर्स होगी तो शायद ये शेयर दस बीस तीस चालीस पचास रुपए यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ सकता है उस टाइम आप यहाँ पर खरीद सकते हैं बट यहाँ पर खरीदने की गलती बिल्कुल मत करिए क्योंकि आँ, आँ, आ, कमेंट आते हैं बहुत सारे कि सर हम यहाँ पर फंस गए हैं जो कि मैं अगले जो स्टॉक है उसमें बताऊंगा कि यहाँ पर फंस गए हैं यहाँ पर से या मैं बेच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उन्हें वो मार्केट में नए होते हैं तो उन्हें पता नहीं रहता कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट होता क्या है ओके तो वो सर्किट्स में कप, काफी बार फंस जाते हैं तो थोड़ा कॉशियस होके थोड़ा ध्यान से स्टॉक्स को खरीदना सीखिए ओके मार्केट okay, में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेगी अभी पैसा आपका हो रहा है डबल किसी का ट्रिपल किसी को चार सौ परसेंट के रिटर्न मिल रहे हैं किसी को पाँच सौ परसेंट के किसी को डबल पैसा होता हुआ हो, नजर आ रहा है वो हैबिट को छोड़ो वो एक हैबिट है जो कि शायद एक साल और समझ लीजिए कि मार्केट इस तरीके के रिटर्न देगी बट मार्केट कभी ऐसे भी चलेगी जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छे दिमाग की जरूरत होगी आपको अपनी स्टडी की जरूरत होगी उस स्टडी में के अकॉर्डिंग आपको कहाँ शेयर खरीदना है वो आपको

300 आने वाले मेरी स्टडी गलत होती है और मैं शायद दो सौ परसेंट के रिटर्न फिर भी नहीं खरीदता क्यों? है पे जितनी वीडियो आया करें उसे देखा करें सीखा करें तो आपको समझ में आएगा तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके अलावा एक और स्टॉक्स की बात करेंगे जिसकी बात में आपको अभी बता रहा था कि लोगों लो को पता नहीं है कि अपर सर्किट लोअर सर्किट अब ये स्टॉक से ट्रेड टू ट्रेड में आ गया पहले यहाँ पर भाग रहा था ओके मैं, मैं मैंने तो आपके 1500 पे जब ये शेयर यहाँ चल रहा था ना यहाँ की भी बात नहीं कर रहा यहाँ चल रहा था तब बताया था जब ये अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद ये गिर गया था लोग कह रहे थे कि यहाँ पर मत खरीदिए अच्छे अच्छे चैनल कह रहे थे कि यहाँ पर मत खरीदिए मैं आपको कह रहा था यहाँ पर खरीदिए और उसके बाद शेयर यहाँ पर भागा फिर उसके बाद एक गिरावट हुई यहाँ पर भी आपको बताया उसके बाद पैसा यहाँ पर डबल होता हुआ नजर आया बट मैंने यहाँ पर बीच में ही बेच दिया था क्योंकि इतना ज्यादा हमें ग्रीडी भी नहीं होना क्योंकि अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया ना एक बार रिजल्ट आ जाएंगे फिर इसे हम किसी भी लेवल पर एक बार खरीदेंगे अच्छे रिजल्ट होंगे तो ये सुनर और लेटर यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा अच्छे रिजल्ट थे मैंने यहाँ पर खरीद यहाँ पर भी खरीदा फिर बायोन डिप्स करके यहाँ पर भी खरीदा आ, बट आ, अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे तो फिर मैं किसी भी लेवल पर नहीं खरीदूंगा सिंपल सी बात ये है फिर चाहे कोई भी न्यूज हो कुछ भी हो कोई परेशानी नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता देखिए मैंने तेजस में आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये स्टॉक्स में कंट कर रहा तेजस के जो अभी यहाँ पर देखिए मैंने इस स्टॉक्स को यहाँ पर खरीदा

का मतलब यही है होल्ड करो अच्छे रिजल्ट आएंगे इसे एवरेज करना तुरंत एवरेज करने के बाद वो स्टॉक शायद थोड़ा सा और गिर सकता है क्योंकि प्रॉपर किस बेस पे हमें लेना है वो हमें नहीं पता कभी कभी हो जाता है कि हम अच्छे लेवल पर ले लेते हैं और कब हमें बेचना है वो भी हमें नहीं पता तो इसलिए थोड़ा सा ग्रीडी मत रोइे अपने को थोड़ा दिमाग को संतुष्ट रख के आराम से कि हमें सौ परसेंट के रिटर्न चाहिए नहीं हमें थोड़ा सा परसेंट के रिटर्न मिल जाए खुश रहिए उसमें अच्छा पैसा धीरे 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 कंपाउंडिंग हो के एक से दो दो से चार

कोई बेशक से वो एरोस्पेस में बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर मार्केट में लिस्ट है न्यूज बेस भी यहाँ पर आ, न्यूज आप देखते रहते हैं कि इस तरीके से न्यूज आ गई एरोस्पेस एरोस्पेस तो एरोस्पेस के बहुत सारे स्टॉक्स है ओके तो बेफाल में पागल मत बनिए कि न्यूज़ देखी आपने आपने सी एन बी सी आवाज़ देखा जी देखा देखिए हमें यहाँ पर नहीं मिला ऑलरेडी ये शेयर ऑलरेडी टॉप पर चल रहा था आ, इसका हमें खरीदने का कोई मतलब ही नहीं बनता था यहाँ पर खरीदेंगे और मैं आपको इसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा ओके और आपको बताऊंगा कि यहाँ पर खरीदिए और तब आप इस स्टॉक को खरीद लीजिएगा यहाँ पर देखिए अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आएंगे तो अभी जो यहाँ पर ट्रैप हुए पड़े हैं जिसकी जो लोअर सर्किट यहाँ पर लगा पड़ा है लोअर सर्किट ये आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर लोअर सर्किट यहाँ पर लगा पड़ा है और लोअर सर्किट में अभी तो आप निकल नहीं पाओगे बट एक लेवल आएगा यहाँ पर से दोबारा स्टॉक को ऊपर अपर सर्किट में ले जाया जाएगा फिर मत फंसिएगा जब यहाँ पर इसे थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए थोड़ा सा नया स्टॉक से थोड़ा घूमेगा फिरेगा ओके नाचेगा गाएगा फिर उसके बाद भागेगा तब बताएंगे हम आपको कि कब खरीदना है तब खरीदिएगा तब अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा बाकी पर्सनल आपको स्टॉक्स कैसे चूज करने हैं हम बताएंगे आपको स्टॉक्स कैसे चूज करने हैं उसके लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है छोटे फाइव हंड्रेड रुपीज़ वाले भी हम हमारी सर्विसेज है थाउजेंड वाली भी है फिफ्टीन हंड्रेड की भी है टू थाउजेंड की भी है परसेंटेज वाइज भी हम यहाँ पर काम करते हैं तो इस तरीके से आप कुछ भी बेसिस पे आप यहाँ पर लीजिए फाइव हंड्रेड वाले ले लीजिए अच्छे पैसे यहाँ पर आपको बनते हुए स्टॉक्स बताएंगे खरीदिएगा थोड़ा वेट करिएगा अच्छे खास पैसे स्विंग ट्रेडिंग में बनते हुए नजर आएंगे स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिएगा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा तो इन्वेस्टमेंट प्लस में स्विंग ट्रेडिंग दोनों जब कंबाइन होंगे तो इसी तरीके से राकेश झुंझुन वाले भी करते हैं यहाँ से ट्रेडिंग हैं ट्रेडिंग का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में डालते के आसपास पास 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 है।, तो है तो बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है आ, किस तरीके से आपको स्टॉक्स को चुनना है वो आपको बता रहा हूं टाटा मोटर्स के लिए बता दिया सावधान टाटा पावर के लिए बना दिया सावधान नजारा के लिए बता दिया निकल ही नहीं सकते है। पारस के लिए बता दिया निकल नहीं सकते बट कब खरीदना है वो आपको बता दिया जाएगा और मैं यहाँ पर वॉच कर रहा हूँ जिस दिन होगा उससे अगले दिन या ऑन द मार्क द मार्केट भी वीडियो आ जाती है इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए तुरंत वीडियो आए तुरंत देखिए पता चल जाएगी सो so, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिएगा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट फॉर एवर जो हमारा ये चैनल है इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें दूसरे लोगों से हमें जितना हो सके उतना सपोर्ट करें सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस Subtitles